लड़कियों की शादी की उम्र अब 21 साल होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही कानून पास हो जाएगा और अब 21 से पहले लड़कियों की शादी करना कानूनन अपराध हो जाएगा। हालांकि इसके पहले लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल निर्धारित थी। इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। महिलाओं का कहना है कि नहीं, सरकार का यह कदम अच्छा है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से 21 वर्ष की अवस्था में कोई भी लड़की परिपक्व हो जाती है, ऐसे में इस अवस्था में ही शादी करना उचित होगा। लेकिन उलेमा इससे सहमत नहीं है, उनकी प्रतिक्रिया कुछ अलग ही। यूपी सरकार कानून बनाने जा रही है, पहले 18 साल की बालिक थे उसको 21 उम्र बढ़ा रही है, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, सिलसिले में मैं थोड़ी सी वजाहत इस्लाम के मुताबिक कर दूँ। ना तो ये मेरी जानिब से कोई फतवा है, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है मैं इस बात की थोड़ी सी वजाहत आपके सामने कर दूँ। शरीयत इस्लामिया के अंदर है कि जब लड़का और लड़की बालिग हो जाए और वालिदैन की हैसियत हो, उसके पास में माल और दौलत हो उनकी शादी करने के लिए, तो उनको चाहिए कि तुरंत उनकी शादी कर देनी चाहिए। इसकी वजह भी बतलाई गई है कि जब लड़का और लड़की बालिग हो जाती हैं, नफसानी ख्वाहिशात हर इंसान के साथ में होती है, अगर वो गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं तो उसका गुनाह वालिदैन के सर होता है। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि 18 साल की उम्र मुनासिब थी, 21 साल की उम्र ज़्यादा लंबा वक्त हो जाता है, तो जो है 18 साल की उम्र मुनासिब थी। बाकी है कि सरकार का फैसला है, सरकार जो करना चाहती है, जो करती है, वो करती चली आई है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं और उसूल होते हैं और सरकार को पूरी अथॉरिटी होती है कि वो कानून बनाए। लड़कियों के लिए 21 वर्ष की जो एक कानून की बात सामने आई है, मैं समझता हूं कि सरकार को इस कानून बनाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये कानून बनाना ही था तो सरकार को चाहिए था कि वो धार्मिक धर्मगुरुओं बुद्धिजीवियों से मशवरा लेते, उसके बाद ये कानून बनाते तो अच्छा होता। मैं समझता हूं कि सरकार ने इसमें जल्दबाजी की है और इस पे एक दफ़ा धार्मिक धर्मगुरुओं से मशवरा लेकर पुनः विचार करने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलेमाओं का कहना है कि शरीयत के मुताबिक जब लड़का लड़की वयस्क हो जाते हैं तब उनकी शादी उनके वालिदान पर निर्भर करती है। अगर वो माल और दौलत से संपन्न है तो वो इसकी शादी करने के लिए स्वतंत्र है, वो फैसला खुद ले सकते हैं। इसमें सरकार को कानून बनाने से पहले उलेमाओं से, धार्मिक गुरुओं से राय लेनी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया है, लिहाजा यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। तो जानकारों का कहना है कि इस्लाम धर्म के अनुयायी जो है वो इस कानून से पूरी तरह सहमत नहीं है, इसीलिए उनकी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस संबंध में हमने उलेमाओं से बातचीत की है, उनकी जो राय है उसे हम अपने दर्शकों को दिखाना और बताना और सुनाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन नितिन भारद्वाज के साथ मैं अवनींद्र कमल जनवाणी, न्यूज सहारनपुर।